34-35 कर देंगे इसको। आलम इस्लाम में जहाँ कई मुसलमान परेशान है, मौला तबारक तआला सबकी परेशानियों दूर कर। इंडिया से मैं गुजरात से। गुजरात से? गुजरात में कहाँ पे? गुजरात। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम दोस्तों, कैसे आज की सहरी में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है क्योंकि सर में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं आज की सहरी मुकम्मल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। यानी कि खाना मैं पहले ही खा चुका था थोड़ा बहुत, लेकिन अभी चाय बना के पीते हैं, हो सका तो खाना भी खाएंगे। टाइम है, एक हमारे गांव के बंधु भाई मिलने को आ रहे हैं, तो बंधु बोले तो भाई है मिलने को आ रहे हैं। कहाँ पर है लोग पूछेंगे। हेलो, कहाँ पर है शेख? पार्क के पास है। आओ सामने आओ ना, लोकेशन डाला ना मैं। वहाँ पे जा रहा हूँ। आओ, तो वहीं चाहता मैं। रुको वहीं चाह रहा हूँ। रुको पे ओके चल। तो माशाल्लाह भाई, जो भाई को लोकेशन भेजा था, ये हमारे इब्राहिम भाई ताड़ बिलोली। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन अपना। सबको मालूम है इब्राहिम भाई, वो गाँव वालों को मालूम है, दूसरों को नहीं मालूम है। तो माशाल्लाह इनो और इनके साथ में देखो ये कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट वाले रवि अन्ना, वो उनका नाम क्या है ना? वो सविन अन्ना, वो गणेश अन्ना। गणेश अन्ना, सविन अन्ना, हम सब जन एक ही साथ रहते हैं भाई। माशाल्लाह, कहाँ पे? 13 नंबर एग्जिट पे हम, अल्लासीम पे है, यानी तरी खुरेश पे है। माशाल्लाह, तो देखो गिलास भर भर के चाय लेके पी रहे हम यहाँ ये गार्डन के पास, ये बंडी के पास में। तो देखो लोकेशन भेजा, यहाँ पर आ गए। तुम यहाँ तक कैसा पहुँचे? यहाँ तक अली दृश्य पेट्रोल पंप तक आया। वहाँ के आने के बाद आपको कॉल किया। वहीं जाके कंफ्यूज होते लोग, वहाँ पे आने के बाद रास्ता नहीं मालूम ना, फिर वहाँ तक आ गया। वहाँ तक बताए सर, माशाल्लाह। तो चाय पीते हैं भाई, फिर देखेंगे आगे का कार्रवाई क्या होता है। ठीक है, आगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जुम्मा मुबारक दोस्तों, कैसे आप सब लोग ठीक होंगे? तो मैं सोचता हूँ यार, इफ्तारी जो है ना ऐसी जगह पर जाके करना, जैसे कि इंडियन मार्केट हारा या बथा में या कोई बड़ी मस्जिद के पास में या किंगडम टावर के ऊपर या कोई अच्छी होटल में जाकर के इफ्तारी करने का सोचता हूँ, लेकिन जा नहीं सकते, क्या करेंगे? कैफ हाल है हबीब? अल्हम्दुलिल्लाह। अशक बारक अल्लाक तो भाई ना सहरी हो पा रही है ना इफ्तारी हो पा रही है। दुआ में याद रखिए, चलते हैं अभी इफ्तारी की तैयारी करते हैं, वही रूम पर इफ्तारी करना पड़ेगा। सही अब्दुल्ला भाई, अपना बेत ان شاء الله فوز شو ثاني شباب، ان شاء الله فوز شباب، ان شاء الله فوز شباب. لا ان شاء الله، لا فوز شباب ان شاء الله. يلا امشي. بس गाड़ी पूरी खाली कर दी है भाई, पेट्रोल ही नहीं है गाड़ी में। अभी कराएंगे फुल, और अभी मेरे को ऐसे जाना है इंडियन होटल बिरयानी लाने के लिए। देखो यहाँ पर 2 रियाल 18 हलाला को पर लीटर चल रहा है, तो अभी हम कराएंगे इसमें फुल। फास्ट लगाना मेरे भाई, फास्ट लगाना, देखेंगे कितना आएगा पेट्रोल यार ये गाड़ी में। 73 यानी 33 लीटर आया है। 34-35 कर देंगे इसको। मैं खुद ही डाल रहा हूँ, देखो पैंतीस हो गया है माशाल्लाह। आज का जो वेदर है ना, माशाल्लाह वेदर है भाई। कितना 3 मिनट में हम इस लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। इंडियन होटल है कहते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट। ये सऊदी लोगों के लिए है, हमारे लोगों के लिए नहीं है। ये देखो यहाँ पर अलबेक होटल है, अलबेक मतम, और इसी से थोड़ा सामने जाएंगे तो इंडियन इब्राहिम, क्या नाम है इसका, इंडियन पैलेस। ये लो भाई, ये छे देखो इंडियन पैलेस, यहाँ से वहाँ तक लंबी लंबी है ये माशाल्लाह। इसकी एंट्री कहाँ पर रहेगी? यहाँ डोर खुले हुआ दिख रहा है इसका, यहाँ से घुसेंगे अंदर। माशाल्लाह भाई, अंदर से लुकिंग कुछ बेटर है इनसाइड।
डाइनिंग सभी खाली है, इफ्तारी के बाद मुमकिन फुल पब्लिक रहती है यहाँ पे, मुमकिन अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला, इसको देखते कि पहचान लेना खाली इंडिया ताजमहल। और सेंटर में ये जो लगा के रखे ना, ये तो एकदम कमाल का है माशाल्लाह। हाय हाय, तो भाई रूम पे पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की इफ्तारी में क्या है वो भी देख लीजिए, आज इफ्तारी में क्या आया है क्या नहीं आया है। चलो बताता हूँ यार, काहे को गड़बड़ कर रहे देखो। ये नहीं आया, ये हमारे भाई लेके आए सो है आज आलू चिप्स और ये दो मटके। ये खारा भी अपना तरफ अपना है, इंडियन है। ये शोरबा और ये कुछ गोल गोल टुकड़े आए, ये फ्रूट भी अपना ही छे, वो असीर भी अपना छे, ये दो असीर उनके तरफ से आया। ये लेबन, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्यों बता रहा हूँ देखो, ऐसा फतूर आता है हमारे को कभी कभी। कभी कभी क्या आता है मालूम है, सिर्फ ये आता है, बुरा मत समझना जो है वो बता रहा हूँ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم مولا تبارک تعالی ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہے مولائے کریم, حالت روزے میں کسی قسم کی خامی عقل تھی الگ جشے کو تعالی العالمین سے معاف فرما کر ہمارے روزوں کو قبول فرما, مولا تبارک تعالی ماں باپ کا فرما بردار بنا, الہ العالمین عالم اسلام میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں مولا تبارک تعالی سب کی پریشانیوں دور کر, الہ العالمین بالخصوص مولا تبارک تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, مولا مسجد اقصا کی حفاظت فرما, مولا تبارک تعالی اسلام کے دشمنوں کو نست و نابود فرما, الہ العالمین مولا تبارک تعالی عالم اسلام کے مسلمانوں میں مولا تبارک تعالی اتفاق عطا فرما, مولا مل جل کے زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرما, مولا تبارک تعالی جہاں کئی مولا تبارک تعالی مسلمان مولا رزق کے لیے پریشان ہیں سو مولا تبارک تعالی ان سے عیب سے غیب سے ان کی مدد فرما, مولا تبارک تعالی سب کو مولا نمازی بنا, الہ العالمین جو اولاد کے لیے ترس رہے مولا ماہ رمضان مبارک کے فضل و کرم سے الہ العالمین جو کچھ مانگا اسے عطا فرما, جو کچھ مانگنے سے رہے گا مولا تبارک تعالی من علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. तो भाई माशाल्लाह हमारे और एक भाई से मुलाकात हो गई आज, इफ्तारी के बाद आ गए। और पहले तो भाई से इंट्रोडक्शन लेंगे, तो कुछ बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम, बस ऐसे ही वीडियो देख देख के यार सहीर भाई को ढूंढने का मन हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुलाकात हो गई। वो एक्सीडेंट हुई गाड़ी को देख देख के आज देखा यही गाड़ी है, बस दरवाजा ठोका तो भाई निकला है, मुलाकात हो गई। बस इरादा था मिलने का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कम से कम मुलाकात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इंडिया में कहाँ से? इंडिया से मैं गुजरात से। गुजरात से, गुजरात में कहाँ पे? गुजरात अंकलेश्वर। अंकलेश्वर से माशाल्लाह, सर गुजरात से, और इधर 11 साल तकरीबन सितंबर में हो जाएंगे माशाल्लाह। घर ठीक ठाक है, कोई परेशानी अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सब अल्लाह बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखो भाई, कोई जब मिलने के लिए आते हैं ना तो दिल को इतनी खुशी मिलती है, सही बोल रहा हूँ, क्योंकि परदेश में अपने लोगों की कमी होती है, खास करके जब कोई मुलाकात के लिए आ जाते हैं ना तो बहुत खुशी मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा लगा भाई से मिलके माशाल्लाह। तो बात करते हैं थोड़ा भाई से, फिर मिलेंगे जरूर।